मॉर्निंग वॉक के लिए निकले बुजुर्ग पर सांड ने किया हमला, चेहरे के आर पार हुआ सिंह। बता दें कि कोटा के साबरमती कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग पर सांड ने अचानक हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों ने इसे नगर निगम की लापरवाही बताते हुए मामला दर्ज कराने की बात कही है। राजस्थान के कोटा शहर में आए दिन आवारा मवेशियों के हमले से वाहन सवार और राहगीर घायल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम प्रशासन आंखें मूंद बैठा है। ताजा मामला साबरमती कॉलोनी का है, जहां नगर निगम की लापरवाही के चलते सांड के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मृतक के परिजनों ने नगर निगम प्रबंधक और प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पहले सांड ने एक महिला पर हमला किया था। इसी दौरान मॉर्निंग वॉक पर जा रहे पुरानी साबरमती कॉलोनी निवासी महेश चंद्र भी वहाँ आ गए। उन्होंने डंडे से सांड को भगाने की कोशिश की, लेकिन सांड ने उन पर भी हमला कर दिया। इससे बुजुर्ग महेश चंद्र नीचे गिर गए। थोड़ी देर सांड शांत रहा, फिर अचानक से उसने महेश चंद्र पर सिंह से लगातार कई हमले कर दिए। इस दौरान सिंह उनके चेहरे के आर पार भी हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तभी वहाँ वह आ गए और उन्होंने पत्थर मारकर सांड को भगाया। कुछ और लोग भी वहां पहुंचे। बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।